मेरा नाम है अमित खट्टर और आज हम करेंगे मास्टर कैंप 2020 के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा यूज होने वाले टूल पाथ जो है ड्रिल, सर्कुलर मिलिंग, हेलिकल मिलिंग, बोरिंग। ठीक है, तो कोई भी सीएनसी का प्रोग्राम हो उसके अंदर सबसे ज़्यादा यूज होते हैं यही सारे टूल पाथ। यहाँ पे हमारे पास कुछ टूल पाथ है, जैसे ड्रिलिंग का हो गया, बोरिंग का हो गया, थ्रेड डालना है मुझे, थ्रेड मिलिंग करना चाहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्पॉट ड्रिल करेंगे, मतलब अगर हमारे को सिंपल ड्रिल मारना हो तो वो कैसे होगा। उसके बाद सर्कुलर मिलिंग करेंगे, अगर मुझे रफिंग करनी है तो वो कैसे होगा। उसके बाद हेलिकल बोरिंग करेंगे, कोई फिनिशिंग चाहिए हमारे को कॉर्नर्स में, उसके लिए हमारे को बोरिंग टूल यूज़ करना है तो वो कैसे करेंगे वो देखेंगे। और उसके बाद थ्रेड मिलिंग करेंगे और साथ साथ इन सबका आपस में कंपैरिजन भी देखेंगे कौन से टूल पाथ में हमारे को किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो बेसिकली हम होल मेकिंग करना चाह रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे छोटा जो कहते हैं डायमीटर है उससे लेके बड़ा डायमीटर को हमारे को कैसे फिनिश करना। ठीक है, तो शुरू से लेके एंड तक देखेंगे तो हम सारे टूल पाथ करेंगे स्टेप बाय स्टेप, ड्रिलिंग का, काउंटर बोर का, सर्कुलर मिलिंग का, हेलिकल बोर का और उसके बाद थ्रेड मिलिंग का। ठीक है, तो शुरू से लेकर एंड तक वीडियो देखनी है, अगर पसंद आए तो लाइक का बटन दबाना है, चैनल को भी सब्सक्राइब करना है और जितने भी लोग मास्टर कैंप देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, उन सबके साथ वीडियो शेयर भी करनी है। तो वीडियो देखने का बेस्ट तरीका क्या है, जैसे जैसे मैं यहाँ पर कर रहा हूँ वैसे वैसे करेंगे तो बहुत ईजीली समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक नई फाइल खोल के थोड़ी सी ड्राइंग बना लेते हैं छोटी सी। एक मैं रेक्टेंगल बना रहा हूँ जिसकी लेंथ है 120 की और हाइट है 60। ठीक है, एक नई चीज़ सिखाता हूँ कि अगर मुझे मान लो कोई भी सर्कल है, जैसे ये सर्कल है, अब मुझे इसका सेंटर पॉइंट देना। ठीक है, तो सेंटर पॉइंट कहाँ देना है, मैंने कहा जी इस पॉइंट पे, देखो ये ग्रीन हो गया और इस पॉइंट पे ये देखो ये भी ग्रीन हो गया, दोनों का सेंटर पॉइंट भी ऑटोमेटिकली दिखाने लग गया। ठीक है, कितने रेडियस का या कितने डायमीटर का बनाना है, मैंने कहा जी 10 डायमीटर। ठीक है, 10 का रेडियस या 10 का डायमीटर। ठीक है, मैंने कहा जी मुझे 10 का डायमीटर, इसमें हम ड्रिल मारेंगे और किसी भी दो पॉइंट, कोई ज़रूरी नहीं है लाइन हो, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, दो पॉइंट सेलेक्ट करेंगे तो उनके बीच में हमारे को ऑब्जेक्ट बन जाता है। कितना रेडियस, मैंने कहा जी 20, यानी कि 40 का डायमीटर हो गया। इसके अंदर हम सर्कुलर मिलिंग या कैविटी मिलिंग करेंगे। ठीक है, अगर मुझे इस सर्कल को मिरर करना है, मैं साथ साथ कुछ छोटी छोटी कमांडें और भी सिखाना चाहता हूँ ताकि अगर मास्टर कैम में हमारे को कोई ड्राइंग बनानी पड़े तो वो कैसे बने। अब सपोज करो मुझे इस सर्कल को मिरर करना है, तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, यहाँ पे मिरर की ऑप्शन है, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया और ये देखो यहाँ पे वाई आर, तो वाई के अलॉन्ग हमारे को मिरर करना है किस पॉइंट के, मैंने कहा जी इस पॉइंट से, ओके, तो वो सर्कल जो है मिरर हो जाएगा। ठीक है, तो सेम चीज़ हम एक बार और करते हैं, हम ट्रांसफॉर्म मिरर, अब मुझे एक्स की डायरेक्शन में करना है इन तीनों को, तो यहाँ पे एक्स कर लेंगे, ओरिजिन ये देखो बाय डिफॉल्ट जीरो इसने अपने आप ले लिया, हम चाहें तो कम ज़्यादा कर सकते हैं बट हमारे को ठीक लग रहा है तो हमारे को इस वैल्यू देने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हम सीधी वैल्यू दे सकते हैं। अगर मान लो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 5, तो ये 5 के गैप के आने लग जाएगा। ठीक है, अगर मैं कर दूँ 15 तो ये 15 के गैप के आने लग जाएगा, पर मुझे नहीं चाहिए, मुझे 0 चाहिए तो मैं 0 कर दूँगा। ठीक है, अगर हम चाहते हैं रेक्टेंगल को भी मिरर करना है तो रेक्टेंगल को भी मिरर कर सकते हैं। अगर मुझे ट्रांसलेट करना है, मान लो मुझे इस चीज़ को ट्रांसलेट करना और कॉपी करना है, ठीक है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन होती है हमारे पास वेक्टर फ्रॉम टू, भाई कहाँ से उठा के कहाँ पे रखना है। ठीक है, तो वेक्टर हमने उसको दोनों पॉइंट दे दिए और ओके कर दिए।
अब इनका कलर चेंज हो गया तो इसे राइट क्लिक करके यहाँ से कलर हम ठीक कर सकते हैं। ठीक है, एक छोटी सी प्रोफाइल हम इसमें और बना देते हैं। ठीक है, इसकी डायमेंशन भी हम दे देते हैं 20 का कर देते हैं इसको डायमीटर, या थोड़ा कम कर देते हैं 15 कर देते हैं। ठीक है, 30 का डायमीटर। तो ये हमारे पास मान लो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, पिछले वाले में हमने चार बनाए थे, उसमें ड्रिल भी नहीं मारा था, उसमें हमने सिर्फ स्पॉट ड्रिल मारा था। अब हम ड्रिल का भी ऑपरेशन करेंगे साथ। तो सबसे पहली चीज़ जो हमारे को देनी होती है वो होती है मशीन। मशीन दे दी हमने, मिलिंग मशीन डिफॉल्ट दे दी। उसके बाद हम थोड़ा सा स्टॉक दे देते हैं। स्टॉक में हम सिलेक्ट कॉर्नर्स करेंगे, क्योंकि हमारे पास कोई सॉलिड नहीं है तो हमारे को जेड की वैल्यू देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं 30 दे देता हूँ। डिस्प्ले ऑन कर देंगे, ओके, ताकि हमारे को यहाँ पे स्टॉक जो है नज़र आने लगे। अब सबसे पहला काम जो हमने करना है होल मेकिंग के अंदर ड्रिलिंग का ऑपरेशन है। तो ड्रिल लेंगे और ये सबके साइड, अब जैसे ये मुझे नहीं देख रहा एक्स वाई जेड, तो मैं यहाँ से व्यू में जाके एक बार इसको कैंसिल करता हूँ। सबसे पहले मैं व्यू में जाके ये एक्स वाई जेड हटा देता हूँ। ठीक है, हम चाहें तो इसको मशीन में जाके, यहाँ पे हमारे पास ट्रांसफॉर्म में एक और ऑप्शन होती है मूव टू ओरिजिन, तो मैं ये वाले सेंटर को ओरिजिन मान सकता हूँ। पर मुझे स्टॉक सेटअप में जाके दोबारा से कॉर्नर सेलेक्ट करने पड़ेंगे और वैल्यू जेड की भी दोबारा से देनी पड़ेगी। ठीक है, वीडियो देखने का बेस्ट तरीका क्या होता है कि जैसे जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ वैसे वैसे करेंगे तो बहुत इजीली सारा कुछ समझ में आएगा। ठीक है, तो अब मेरे को क्या करना है, मुझे स्पॉट ड्रिल मार, हम दोबारा से टूल पाथ लेते हैं ड्रिलिंग का और ये सेंटर पॉइंट पिक करना है हमारे को। ठीक है, जिस सीक्वेंस में कर लेंगे उसी सीक्वेंस में काम। ठीक है, बाकी हम शॉर्ट कर सकते हैं वो बाद की बात है, पहले एक बार ये चला के देखते हैं कैसे चलेगा। तो हमने कहा ड्रिल हमारे को मारना है, टूल कौन सा, तो यहाँ से लाइब्रेरी में से मैं फिल्टर करके स्पॉट ड्रिल ले सकता हूँ। तो स्पॉट ड्रिल कितने का चाहिए, मैंने कहा जी मुझे 10 है। ठीक है, अब स्पॉट ड्रिल की डेप्थ कितनी होगी, मैंने कहा जी मुझे माइनस 10 तक जाना, 10 तो बहुत ज़्यादा हो गया, 1 mm। ठीक, माइनस, क्योंकि हम सिर्फ स्पॉट लगा रहे हैं तो माइनस 1 mm तक मुझे जाना है। कटिंग पैटर्न में यहाँ पे देखो बहुत सारी ऑप्शन है, तो हमने सिंपल ड्रिल ले लिया कि हमारे को सिंपल ड्रिल से स्पॉट का ओके करेंगे तो ये देखो यहाँ पे स्पॉट लग गया। अगर हम इसको वेरीफाई करके देखें, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, प्ले करेंगे तो ये 1 mm का जिस सीक्वेंस में हमने सेलेक्ट किया था उसी सीक्वेंस में ये लगा। ठीक है, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है बट हम सारा कुछ सीक्वेंस में देखना चाहते हैं। तो अगर हम इसके पैरामीटर में जाएंगे और हम यहाँ पे कटिंग पैरामीटर है हमारे पास, हमारे यहाँ जहाँ अगर मुझे कोई नहीं चाहिए मान लो, तो मैं यहाँ ज्योमेट्री में जाके उसको डिलीट कर सकता हूँ उस पर्टिकुलर। ठीक है, पर मैं डिलीट नहीं करना चाह रहा, यहाँ पे हम चाह रहे हैं कि हम इसको सॉर्ट करें। ठीक है, तो यहाँ पे अभी था सिलेक्टेड सॉर्ट जिस सीक्वेंस में मैंने सेलेक्ट किया, बट मैंने कहा नहीं मुझे एक्स वाई में के अकॉर्डिंग चाहिए। ओके करेंगे, ओके करेंगे और फिर से रीजन। तो अब देखो सीक्वेंस में आ गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फिर उसके बाद इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया। तो इससे हमारी जो है यहाँ पर भी हम क्लैंप लगा सकते हैं, यहाँ पर भी हम क्लैंप लगा सकते हैं। ठीक है, टूल पाथ पर क्लिक करेंगे, प्ले करेंगे तो कुछ इस तरीके से चलेगा। तो यानी हमने सिलेक्शन जैसे मर्जी की हो हम उसको सॉर्ट कर सकते हैं अपने मर्जी से। ठीक है, एक्स की डायरेक्शन में भी कर सकते हैं और यहाँ पर सीधा अगर मैं ज्योमेट्री पे क्लिक कर दूँ तो वही आ जाएगा, और मैं इसको वाई की डायरेक्शन में भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो जो बेस्ट लगे वो सीक्वेंस हम यूज़ कर सकते हैं।
ज्योमेट्री में जाओ, यहाँ से जिगजैग वाली चाहिए तो जिगजैग वाली भी चला सकते हैं। अगर मुझे डेप्थ बढ़ानी है, जैसे 1 mm कम लग रही है देखने में, सिर्फ ट्रेनिंग पर्पस के लिए मैं इसको बढ़ा रहा हूँ, -5 कर दो, वेरीफाई करके देखेंगे। वैसे इतना करते नहीं है, ये सिर्फ मैं समझाने के लिए हमने इसको -5 तक दे दिया, ठीक है। नेक्स्ट जो ऑपरेशन हमारे को करना है वो है ड्रिलिंग का। तो अब नेक्स्ट ऑपरेशन हमारे को करना है ड्रिल का, ठीक है। मुझे हर एक के अंदर 10 mm का ड्रिल मारना चाहता हूँ, तो हम क्या करेंगे, दोबारा से जाएंगे, ड्रिलिंग का ऑपरेशन लेंगे, सारे पॉइंट्स को सिलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे। उसके बाद हमने टूल लेना, अब टूल मेरे को ड्रिल चाहिए, तो ये ड्रिल है हमारे पास। ड्रिल कितने का, ये देखो सारे ड्रिल के साइज आ रहे हैं, तो मुझे क्या 10 mm का चाहिए, HSS का 10 mm का ड्रिल चाहिए। कटिंग पैरामीटर में हम यहाँ पे बहुत सारे ड्रिल है, तो हम यहाँ पे चिप पीक ड्रिल भी ले सकते हैं, चिप ब्रेकिंग भी ले सकते हैं। इसमें क्या होगा, कट लगाएगा फिर ऊपर उठेगा, फिर कट लगाएगा फिर ऊपर उठेगा। तो हमने कहा जी हमारे को 2 mm का पीक चाहिए, 2 mm देखने में हमारे को बहुत दिक्कत होगी, तो हम इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, 5 mm कर देते हैं, सिर्फ ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए, ताकि हमारे को ईजिली दिखने लग जाए। लिंकिंग पैरामीटर हमारे को बताना पड़ेगा कि कहाँ तक जाना है, तो मैंने कहा जी मुझे -30 तक जाना है। टूल एक्सिस मेरी 3 axis होनी चाहिए, लिमिट हमने कोई नहीं देनी, लिंकिंग पैरामीटर में गए -30 दे दिया, ओके करेंगे तो ये हमारा ड्रिल का ऑपरेशन हो जाएगा। अगर मुझे दोनों देखने इकट्ठे, तो यहाँ पे दोनों पे क्लिक करो, दोनों पे टिक लगा हुआ आ जाएगा और इसको वेरीफाई करो, तो यानी कि पहले स्पॉट ड्रिल चलेगा, फिर उसके बाद हमारा 10 mm का ड्रिल चलेगा। थोड़ी स्पीड हम अपनी मर्जी से स्लो कम ज़्यादा कर सकते हैं, प्ले कर देंगे। तो ये पहले सबसे पहले स्पॉट ड्रिल लगा, फिर उसके बाद 10 mm का ड्रिल लगा। ठीक है, अगर हम इसके पैरामीटर को जाके, कटिंग पैरामीटर में जाके इसको चिप ब्रेकिंग की जगह पीक ड्रिल कर, ओके करेंगे, जनरेट करेंगे, टूल पाथ में गए, प्ले किया। अब हम वेरीफाई नहीं कर रहे, हम यहीं पे प्ले करने की कोशिश, देख रहे हर बार रीट्रैक हो रहा है, ठीक है। तो यानी कि हमारे को समझ में आना चाहिए चिप ब्रेकिंग और पीक ड्रिल के अंदर क्या डिफरेंस है। स्पीड थोड़ी इंक्रीज कर देता हूँ, ठीक है। तो अब हमारे को ड्रिल भी समझ में आ गया और पीक ड्रिल भी समझ में आ गया, हमारे को स्पॉट ड्रिल भी लगाना आ गया, और हमारे को सिंपल ड्रिल 10 mm का हमने लगाया वो भी समझ में आ गया, ठीक है।
अब मुझे थर्ड ऑपरेशन जो करना है होल मेकिंग के अंदर वो है हेलिकल गोल, सॉरी सर्कुलर मिलिंग करेंगे पहले फिर हेलिकल गोल करेंगे। सर्कुलर मिलिंग काय के लिए यूज हो रहा है, देखो सर्कुलर मिलिंग हो रहा है रफिंग करने के लिए। तो कहाँ पे रफिंग करनी है, मैंने कहा जी मुझे इसमें करनी है, मुझे मैं सबको नहीं सिलेक्ट कर रहा, मैं सिर्फ एक को सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है ओके करेंगे। तो यहाँ पे देखो पॉइंट ज्योमेट्री वन आ गया, आर्क ज्योमेट्री उसने खुद से पिक कर ली क्योंकि हमने सर्कल का सेंटर पॉइंट दिया, तो उसको आर्क अपने आप मिल गई। तो सबसे पहली चीज जो मुझे करनी है वो देना है टूल। तो मैंने इसको बोला कि मुझे फ्लैट एंड, वो देखो अपने आप समझदार है, उसने अपने आप ही एंड मिल ले लिया, तो हमारे को फ्लैट एंड मिल चाहिए। मैंने कहा जी मुझे 10 mm का फ्लैट एंड मिल चाहिए, जिस क्योंकि मैंने 10 mm का होल मार रखा तो उसमें सीधा चला जाएगा। तो मुझे रफिंग का ऑपरेशन करना है हेलिकल एंट्री के साथ, यानी कि हेलिकल शेप में ये एंट्री करेगा। स्टेप ओवर जो होगा वो टूल के डाई का 50% स्टेप ओवर, ठीक है। अभी मैं फिनिशिंग नहीं कर रहा, सिर्फ रफिंग रफिंग कर रहा हूँ। कितनी डेप्थ तक करनी है मुझे रफिंग, मैंने कहा जी -30 ओके करेंगे। टूल पर चला के देखेंगे, प्ले करेंगे, तो कुछ इस तरीके से एंट्री करता हुआ अंदर जाएगा। स्पीड थोड़ी इंक्रीज कर देते हैं, और उसके बाद इसने बड़ा कट लगाया, पर ये सारा एक ही बार में कट गया, ये नहीं बिल्कुल ठीक। हमारे को यहाँ पे डेप्थ ऑफ कट ऑन करना पड़ेगा कि मुझे कितने कितने एमएम का कट मारना। तो सिर्फ ट्रेनिंग पर्पस के लिए मैं यहाँ 5 कर रहा हूँ, बाकी 1 mm से कम ही रखना है इसको। कीप टूल डाउन ऑन कर देंगे, ये 5 इसलिए कर रहा ताकि टाइम कम लगे हमारे को कैलकुलेशन में, ओके करेंगे और फिर से रीजनरेट। अब जो चलेगा वो कुछ इस तरीके से चलेगा, एंट्री जो करेगा वो हेलिकल करेगा और उसके बाद सर्कुलर मिलेगा। अगर मैं चाहता हूँ इसी के अंदर फिनिशिंग का भी ऑपरेशन हो जाए तो मैं यहाँ से फिनिशिंग भी और कर सकता हूँ। अब री रफिंग करनी है या सेमी फिनिश करनी है या करनी करनी फिनिश करनी है कि नहीं करनी, कितने कट लगाने हैं फिनिशिंग में, कितने कितने का कट लगाएंगे, सब कुछ बता सकते हैं। डेप्थ ऑफ कट हमने दे दिया, कटिंग पैरामीटर में अब क्योंकि मैंने फिनिशिंग ऑन कर दिया तो मुझे ये स्टॉक की ज़रूरत नहीं, ओके करेंगे, रीजनरेट दबाएंगे, सबको सिलेक्ट करके मैं यहाँ से वेरीफाई कर रहा हूँ, प्ले करेंगे, तो ये ड्रिल हो गया। पूरा का पूरा इसने कटिंग कर, ठीक है, रफिंग भी इसी के अंदर हो गई, फिनिशिंग भी इसी के अंदर हो गई। अब हमारा ये सर्कुलर मिल हो गया, पर मैं चाहता हूँ एक और सर्कुलर मिल करना, क्योंकि ये रफिंग का ऑपरेशन है तो बड़ा आसान तरीका है। इसको क्या करो, इसको कॉपी कर दो और यहीं पे पेस्ट कर दो, तो उसकी एक कॉपी बन गई। और इसकी ज्योमेट्री में जाके यहाँ पे कर दो डिलीट ऑल और सेकंड वाले को सिलेक्ट कर, बस। तो जितने भी आपने पैरामीटर दिए सारे उसमें ऑटोमेटिकली आ जाए। पर मैंने ये क्यों किया, क्योंकि मैं इसके कटिंग पैरामीटर में थोड़ा स्टॉक छोड़ना चाहता हूँ, 3 mm का स्टॉक छोड़ दिया, ठीक है। इसके अंदर कोई स्टॉक नहीं छोड़ा, उसके अंदर स्टॉक छोड़ दिया। अब अगर मुझे फालतू के टूल पाथ नहीं देखने तो यहाँ से मैं हाइड कर सकता, अगर मैं इन दोनों को ऑन कर दूँ तो जिस पे मैं क्लिक करूँगा वो वाला टूल पाथ नजर आए,
जब हमने कॉपी किया तो ये भी साथ में कॉपी हो गए, तो ये नहीं चाहिए हमारे को, इसको हम डिलीट कर देते हैं। पांच नंबर को, चार नंबर को भी डिलीट कर देते। तो हमारे को टूल बार डिलीट भी करना आना चाहिए और नया भी बनाना आना चाहिए। अब जिस पे मैं क्लिक कर दूंगा वो टूल बार मुझे नजर आना चाहिए। ठीक है, अगर इसको बंद कर देंगे तो हमारे को सारा ज्योमेट्री नजर आएगा। इसको भी हाइड कर देते हैं, तो ये भी हाइड। ठीक है, अब नेक्स्ट ऑपरेशन जो मुझे करना है वो है हेलिकल बोर। अब जो हमने 3 mm मटेरियल छोड़ा वहीं पे बोरिंग करेंगे, तो हेलिकल बोर के लिए मुझे ये सेंटर पॉइंट चाहिए। टूल कौन सा होगा, मैंने कहा जी टूल मेरा 12 mm का ले लेता हूँ मैं, फ्लैट एंड मिल। कटिंग पैटर्न में मुझे स्टॉक कितना चाहिए, मैंने कहा बिल्कुल स्टॉक नहीं चाहिए क्योंकि हम बोरिंग का ऑपरेशन कर रहे हैं। तो बोरिंग में आपको रफिंग भी करनी है और फिनिशिंग भी करनी है। मैं कहा हाँ जी रफिंग करनी है मुझे 2 mm की और फिनिशिंग करनी है, ओह सॉरी पिच चाहिए। तो नंबर ऑफ पासिस, कितने पासिस में आपको रफिंग करनी है, मैंने कहा जी मुझे 3 पासिस में रफिंग करनी है। फिनिशिंग कितने पास में करनी है, रफिंग का स्टेप ओवर कितना होगा, मैंने कहा जी 1 mm या इसको 0.5 कर लेते ताकि फिनिशिंग के लिए मेरे पास 0.5 का मटेरियल हो, तो इसको मैंने कहा जी 0.25 के 2 कट लगा देते। ठीक है, 3 कट 0.5 के इसमें लगेंगे और 2 कट लगेंगे फिनिशिंग के। डेप्थ कितनी, -30। ओके करेंगे तो ये वहाँ पे बोरिंग का ऑपरेशन होगा। ठीक है, सबको इकट्ठे चला के देखना है तो हम यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। अब प्ले करके देख सकते, ठीक है, ये हमारी सारी जो है कटिंग जो है। तो अब मैं इस ऑपरेशन में एक और ऑपरेशन करूँगा। अब यहाँ पे हमारे को ये भी समझ में आ गया कि ड्रिल कैसे मारना है, ये भी समझ में आ गया कि सर्कुलर रफिंग कैसे करनी है, फिर उसके बाद हमारे को हेलिकल बोरिंग कैसे करनी है वो भी समझ में आ गया। हेलिकल बोरिंग में एक और ऑप्शन थी बहुत अच्छी कि जब हम फिनिशिंग कर रहे हैं तो अपवर्ड वाली साइड करना है या डाउनवर्ड वाली साइड करनी है, फिनिशिंग जो है ऊपर से चले या नीचे से वो चलती हुई ऊपर को आए। ठीक है, तो हम अपनी मर्जी से दोनों से सेलेक्ट कर सकते हैं, ओके कर देंगे, रीजनरेट। नेक्स्ट ऑपरेशन जो मुझे करना है वो क्या है, थ्रेड मिलिंग। थ्रेड मिलिंग के लिए भी पहले इसमें रफिंग करना जरूरी है, तो हम क्या कर सकते हैं, यही वाला जो सर्कुलर ज्योमेट्री हमने पहले रफिंग की थी उसी के अंदर हमें एक और ऐड कर लेते हैं। राइट क्लिक करो या यहाँ पे जाके एक और सिलेक्ट करो, इन दोनों में हमने चला दी रफिंग का ऑपरेशन। ठीक है, अगर मैं वेरीफाई करके दिखाऊं तो इधर भी हमने 3 mm मटेरियल जो है थोड़ा फास्ट कर देता हूँ। ये बोरिंग हो गया, ओह सॉरी रफिंग हो गया, इसमें 3 mm मटेरियल छोड़ा हुआ है उसमें हमने हेलिकल करके फिनिशिंग कट लगा दिया, ये भी हो गया। अब मुझे यहाँ पे जो 3 mm मटेरियल बचा हुआ है वहाँ पे मुझे करना है मिलिंग का ऑपरेशन, थ्रेड मिलिंग का। तो थ्रेड मिलिंग लेंगे, सेंटर पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे। अब थ्रेड मिलिंग के लिए हमारे को टूल भी थ्रेड मिलिंग वाला ही चाहिए, तो हम फिल्टर कर सकते हैं थ्रेड मिलिंग का। देखो अपने आप 2020 की खासियत है ये कि इसमें अपने आप वो उसको समझ में आता है कि थ्रेड मिलिंग लिया है, तो हमारे को फिल्टर नहीं करना पड़ता, वो अपने आप फिल्टर कर रहा। तो यहाँ पे थ्रेड मिलिंग का हमने टूल ले लिया।
अब क्योंकि हमारी रफिंग हो रखी है तो अब थ्रेड मिलिंग के लिए कितने टीथ यूज़ करोगे तुम? तो मैंने कहा जी मैं 6 टीथ चूज करूँगा, 2 की पिच के साथ, यानी एक बार में 12 mm कटेगा। ठीक है, हम इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। लीड इन लीड आउट अभी एंट्री कैसे लेगा? हमारे रफिंग तो हो चुकी है तो इससे हमारी कोई टेंशन नहीं है, 5 mm दे दिया हमने। थ्रेडिंग जो होगी वो सिंगल पास में नहीं होगी, हमारे को 2-3 कट लगाने पड़ेंगे। तो मैंने कहा जी मुझे 3 कट लगाने हैं, 1-1 mm के, या 2 लगा देता हूँ। ठीक है, और फिनिशिंग पासेस भी मुझे 2 चाहिए, 0.5 पॉइंट। ठीक है, टोटल 5 कट लगेंगे। डेप्थ कितनी? मैंने कहा जी -30। ओके करेंगे तो ये कट लग जाएगा। अगर मैं इसको चला के दिखाऊं, क्योंकि मुझे रफिंग भी करनी पड़ेगी इसलिए मैं सारे चला रहा हूँ, बाद में स्लो कर देंगे हम जैसे ही वो ऑपरेशन आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास बोरिंग हो गई पहले, फिर तो उसके बाद हमारा जो है थ्रेड मिलिंग का ऑपरेशन चलेगा, उसमें हेलिकल बोर हो रहा है। अब यहाँ पे मेरे पास 3 mm मटेरियल है जो थ्रेड मिल से हमारे को कटिंग करके थ्रेड बनाना है। पहले रफिंग होगा फिर उसके बाद फिनिशिंग होगा। तो अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे, अभी देखो नीचे थोड़ा सा मटेरियल बच गया है ना, उसका कारण क्या है कि जब हमने सर्कुलर मिलिंग की तब हमने यहाँ पे ब्रेक थ्रू नहीं दिया। ब्रेक थ्रू का मतलब क्या है, मुझे कटिंग से करने जैसे 30 mm दिया तो उसके बाद ही मुझे 5 mm और एक्स्ट्रा नीचे जाना टूल, ताकि जो बर वगैरह लगी है वो सब कुछ कट हो जाए। और इसके अंदर हमारे को स्टॉक जो है वॉल्स पे दिया हमने, फ्लोर पे नहीं दिया। तो इस तरीके से ये मेरा हेलिकल बोर्ड जो है, ठीक है। तो ये सारे हमारे ऑपरेशन थे होल मिलिंग के। नेक्स्ट टूल बाद में हम देखेंगे कि ऑटो ड्रिल कैसे करना है, फीचर बेस्ड मिलिंग कैसे करनी है, और स्टार्ट होल कैसे। ठीक है, मेरे ख्याल से काफ़ी बढ़िया वीडियो बन गई है। तो अगर पसंद आए तो लाइक करना है, चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, सबके साथ वीडियो शेयर भी करनी है जो भी लोग वीडियो देखना चाहते हैं। ठीक है, अगर किसी को ऑनलाइन ट्रेनिंग चाहिए या कोई कोर्स करना चाहता है तो वो भी हमारे साथ डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, है ना। ठीक है।